तो आज हम लोग कॉन्डिशन ऑफ शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें गिवन है लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स कनेक्टेड टू ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट ई तो हमारे पास ए एंड बी कोई दो इवेंट है जो कि गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के साथ कनेक्टेड है देन द कन्डिशन ऑफ ऑफ द इवेंट ए ऑन द हाइपोथिसिस दैट बी हैज ऑकर्ड तो ए इवेंट का कॉन्डिशन ऑफ प्रोबिलिटी इस हाइपोथिसिस पे कि बी इवेंट पहले ही ऑकर कर चुका है इज डिनोटेड बाय पावर्टी ऑफ ए गिवन बी तो इसे हम डिनोट करते हैं पावरिटी ऑफ ए गिवन बी इसे हम प्रावरिटी ऑफ ए गिवन बी से पढ़ते हैं एंड इस डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करते हैं पावर्टी ऑफ ए गिवन बी इक्वस टू प्रावर्टी ऑफ ए बी डिवाइड बाय पाविटी ऑफ़ बी जहाँ पर पावर्टी ऑफ़ बी नॉट इकाश जीरो होता है सिमिलरली पॉवर्टी ऑफ़ बी गिवन ए इक्वल टू पावर्टी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई पावर्ट ऑफ़ ए यहाँ पर पावर्ट ऑफ़ ए नॉट इकाश जीरो होता है अभी इसे हम ए भी बोल सकते हैं कि पाबरिटी ऑफ ए गिवेन बी इसवल टू प्रावर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले ही बोला था जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है डिवाइडेड बाई प्रोवर्टी ऑफ बी जहां पर प्रॉबरिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है सिमिलरली प्रोबरिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबरिटी ऑफ ए जहां पर प्रॉबरिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है ठीक है तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है इंटरसेक्शन ए और बी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन तो अभी हम लोग कॉन्डिशन ऑफ प्रोबिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें गिवन है दी कॉन्डिशन ऑफ प्रोविटी सैटिस्फाइज ऑल ऑग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो हमने जब ऑग्जामेटिक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहां पर हमने तीन ऑग्जाम्स प्रूव किए थे तो यहाँ पर हमें शो करना है कि कॉन्डिशन ऑफ प्रोवर्टी भी उन तीन ऑग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है सो प्रूफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ई बी एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट तो ई तो e तो e हमारे पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट एंड एस बी इट्स सैम्पल स्पेस एस इस रैंडम एक्सपेरिमेंट ई का एक सैम्पल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस है नाउ लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स बी एनी टू इवेंट्स तो हमारे पास ए एंड बी दो इवेंट्स है कनेक्टेड उथ कनेक्टेड उथ ई ए एंड बी दो इवेंट्स ई रैंडम एक्सपीडेंट के साथ कनेक्टेड है सच देट कैसे कनेक्टेड है प्रोबरिटी ऑफ बी इज नॉटिक्स टू जीरो जहाँ पर प्राइवरिटी ऑफ बी नॉटिक्स टू जीरो होता है तो अभी पहले एग्जाम के लिए हम बोल सकते हैं देन बाई द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबरिटी प्रोअबरिटी ऑफ ए गिवेन बी इक्वल्स टू प्रोविटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई प्रोविट ऑफ बी जहाँ पर प्रोवाविट ऑफ बी नॉट इक्ल्स टू जीरो होता है ऑल्सो हमें ए भी पता है वी नो दैट बाय ऑक्जियम ओ वन ऑक्जियम ओ वन ऑफ प्रोअबिलिटी हमने जब प्रोबरिटी पढ़ा था तो वहाँ पर ऑक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने जो ऑक्जाम वन पढ़ा था वहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा क्योंकि ऑग्जियम वन में था कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो तो, जीरो से वन के बीच चलाई करता है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इवेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा ठीक है देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्रोबलिटी ऑफ बी इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा और हम बोल सकते हैं कि प्रोबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी इज ग्रेटर देन इक्व टू जीरो तो हमें यही शो करना था दिस इम्प्लाय दिस इम्प्लायज दैट द कंडीशन ऑफ प्रोबिलिटी कंडीशन ऑफ प्रोबिलिटी सेटिस्फाइस ऑक्जाम वन तो कॉन्डिशन प्रॉबर्टी ऑक्जम वन को सेटिस्फाई करता है ये हमने प्रूव कर दिया है तो अभी सेकेंड ऑक्जाम में हमें सैंपल स्पेस का कॉन्डिशन प्रॉबर्टी निकालना है सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्डिशन प्रॉवर्टी हम बोल सकते हैं प्रॉबर्टी ऑफ एस गिवन बी इक्वल्स टू प्रोवर्ट ऑफ एस बी डिवाइडेड बाई प्रोविट ऑफ बी यहाँ पर प्रॉबर्टी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है तो यहाँ पर प्रॉबिटी ऑफ एस बी मतलब प्रोबर्टी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी और हमें पता है इस सैम्पल स्पेस के साथ किसी भी इवेंट का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरला इवेंट होता है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा क्योंकि सैम्पल स्पेस इस में सारे के सारे इवेंट कंटेन करता है मतलब कि ए अगर एस होगा तो बी इवेंट का ही कोई ना कोई एक सबसेट होगा सो दैट इज इक्वल्स टू हमें लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज इक्वल्स टू वन िस इंप्लाय हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाय दैट दंडिशनल प्रोबिटी कॉन्डिशनल प्रोबिटी सेटिस्फाइज सेटिसफाइज ऑक्सीजन टू ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी ऑक्सीजन थ्री में हमें ए वन प्लस ए टू प्लस डॉब डॉट प्लस ए इन इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन एंड सो ऑन बी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ये सारे इवेंट्स पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है देन बाई द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉटो डॉट प्लस ए एन एंड सो ऑन गिवेन बी इज इक्वल्स टू प्रोविटी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉटो डॉट प्लस ए एन एंड सो ऑन इंटू बी डिवाइडेड बाई प्रोवाटी ऑफ बी जहाँ पर प्रोवाबिटी ऑफ़ बी नॉट इक्स टू जीरो है तो यहाँ पर हमारे पास ए वन ए टू डॉ डॉट ए एन पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हम बोल सकते हैं कि हे आर ए आई इंटू ए जे इज इक्वल्स टू जीरो किसी भी दो इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है मतलब कि मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो होता है फॉर आई नॉट इक्वल टू जे आई एंड जे अगर दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं तो दो इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है मतलब कि मल्टीप्लीकेशन होता है वो जीरो होता है फॉर आई जे इक्वल्स टू वन टू थ्री डॉट सो वन अभी ए आई भी इंटू ए जे भी इक्व टू हमें मिल जाएगा ए आई ए जे इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जीरो इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो मिलेगा फॉर आई नॉट इक्व टू जे एंड आई जे इक्वल टू वन टू डॉट डॉट सो वन तो यहां पर हमने ए आई बी इंटू ए जे बी मतलब कि ए आई बी इवेंट एंड ए जे बी इवेंट का इंटरसेक्शन इक्वल टू जीरो दिखा दिया है सो so, दास हम बोल सकते हैं दिस ए एम्प्लाय करता है दैट ए वन बी ए टू बी ए थ्री बी डॉलो डॉट सो ऑन ए एन बी डॉट डॉट आर पेयर वाइज पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ये सारे इवेंट्स भी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे ठीक है तो so, ये हमने प्रूव कर दिया है देन हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉलो डॉट प्लस ए एन प्लस डॉलो डॉट इन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री बी प्लस डॉलो डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन बी एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैट इज टू हम लिख सकते हैं प्रोबरिटी ऑफ ए वन बी डिवाइडेड बाई प्रोबरिटी ऑफ बी प्लस ऑफ ए टू बी डिवाइडेड बाई प्रोबरिटी ऑफ बी प्लस डॉल्यो डॉट प्लस प्रॉबर्टी ऑफ ए एन बी डिवाइडेड बाई प्रोबर्टी ऑफ बी एंड सो ऑन क्योंकि हमारे पास ए वन बी ए टू बी ए थ्री बी डॉल्यो डॉट ए एन बी प्लेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं सो दैट इज इक्वस्ट हमें मिलेगा प्रॉबर्टी ऑफ ए वन बी ए वन गिवी प्लस प्रॉबर्टी ऑफ ए टू गि एन बी प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन गिवेन बी एंड सो ऑन ठीक है सो दिस इम्प्लाय इम्प्लाय दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सैटिसफाइज ऑक्सियम थ्री डिशन प्रॉपर्टी ऑक्सियम थ्री को भी सेटिस्फाई करता है हिंस द रिजल्ट